एक नाम जो ब्रांड बन जाए, एक नाम जो दुनिया में छा जाए, एक नाम जिसके पीछे करोड़ अरबों खरबों रुपए के लेन देन हो जाते हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी वाह जिंदगी की इस विशेष और ऐतिहासिक श्रृंखला में आप सबका स्वागत करता हूं। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं श्री मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल जी, वाह जिंदगी में आपका स्वागत है। धन्यवाद, मेरे लिए भी एक अच्छी अवसर है आपसे मेरा आइडिया शेयर करने का और आपसे मिलने का। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मोतीलाल ओसवाल आपका नाम है, आज एक ब्रांड हो गया है जिसे दुनिया जानती है, कैसा लगता है आप? देखिए, एक जिम्मेदारी भी है, एक एहसास भी है और एक गर्व का एक ओकेजन भी है कि आप एक छोटे से गांव से आते हो, राजस्थान में बाड़मेर ज़िले में पादरू गांव है, वहाँ से मैंने स्कूलिंग किया अपना गवर्नमेंट स्कूल से। और फिर मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जैन समाज की संस्थाएं हैं जो स्कूल और कॉलेजेस, उनसे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला और उनका मैं बहुत बहुत ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा कि मैंने हॉस्टल्स में करीब 10 से ज़्यादा साल गुजारे अपनी पढ़ाई के दरमियान। और उसमें मुझे मालवाड़ा, फालना, बम्बई में जैन हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस में पढ़ने का मौका मिला और मुझे लगता है कि समाज का जो भी मैंने कुछ हासिल किया है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप आज इस मार्केट में आए, ये कंसेप्ट, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि आप इस काम को करें? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं सीए करने बम्बई आया था और मेरे फैमिली भी बिजनेस में ही है, वो लोग साड़ी का बिजनेस करते थे पहले। लेकिन मेरे दो बड़े भाई साहब हैं जो थोड़ा बहुत स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते थे, आईपीओ वगैरह में अप्लाई करते थे। तो जब मैं सीए कर रहा था, मुझे लगा कि प्रैक्टिस करें या कुछ बिज़नेस करें तो एक अच्छा लग रहा था, स्टॉक मार्केट में एक जो एक्साइटमेंट रहता था और ब्रदर लोग भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, तो मुझे उनसे भी प्रेरणा में मिली कि भाई चलो कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का काम करें। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप एक बैलेंस शीट समझते हैं, कंपनियों की वर्किंग को समझ सकते हैं, लोगों को एडवाइज भी कर सकते हैं। और जब हमने स्टार्ट किया था, वहाँ रिसर्च एडवाइज नाम की कोई ऐसी एक्टिविटीज़ ब्रोकर्स नहीं करते थे, तो हमने लगा एज ए प्रोफेशनल एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है क्लाइंट्स को एक अच्छा एडवाइस देने की, गाइड करने की और जितनी वेल्थ है उनको मैनेज करने की, तो वहाँ से शुरुआत हुई हमारी। आपने व्यवसायिक क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता हासिल की, क्या समाज के लिए आपका कुछ योगदान रहा? जैसे मैंने बताया कि योगदान डेफिनेटली काफ़ी समय जाता है सोशल एक्टिविटीज़ में और जितना भी कर सकें उसके लिए तो बहुत कम है। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है जैन जीतो के, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उनका मैं प्रेसिडेंट था दो टर्म के लिए, उनका उसका चेयरमैन भी था मैं एक टर्म के लिए। और वहाँ पर हमने एजुकेशन और कम्युनिटी सर्विसेज के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। जीतो के माध्यम से मैंने करीब 6 साल वहाँ पर दिए हैं और अभी भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। और जो हॉस्टल में जैसे मैं जहाँ भी पढ़ा हूँ, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि यहाँ पर कहाँ पर कोई भी अपने नाम से कोई सेंटर बन सके। तो मोतीलाल ओसवाल की भविष्य की क्या योजनाएँ? देखिए, हमारी कंपनी है हिंदुस्तान के करीब टॉप 5 फाइनेंशियल सर्विसेज में है और हमारे क्लाइंट्स जो हैं ग्लोबल क्लाइंट्स हैं। हमारी ब्रांचेज हांगकॉन्ग, सिंगापुर में है, हिंदुस्तान में करीब 600 जगह हमारी आउटलेट्स हैं, हमारे करीब 6,000 एम्प्लॉयज हैं और इनडायरेक्टली हमारे करीब 15,000 से 20,000 हमारे बिजनेस पार्टनर्स और उनके सहयोगी हैं। तो ये एक कोशिश रहेगी कि वो बिज़नेस को भी कैसे आगे बढ़ाया जाए। और मुझे लगता है कि एक जो पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है उसको एक इग्नाइट करने की हमने कोशिश की है। जैसे हमारे बिजनेस पार्टनर, हम लोग फ्रेंचाइजी बोलते हैं हिंदुस्तान में, करीब हमारे 2,500 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज हैं, तो एक पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन को भी बढ़ाएं और लोगों को एनकरेज करें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। लाखों दर्शक वाह जिंदगी के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके विचारों से अवगत हो रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? मेरे अनुभव से एथिक्स, नॉलेज और पीपल पावर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। मोतीलाल जी, आप वाह जिंदगी की इस ऐतिहासिक श्रृंखला का एक हिस्सा बने, आपने अपने विचारों से दर्शकों को अवगत कराया, हमें बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद भाई साहब, मेरे लिए भी बहुत खुशी का एक पल है आपसे मिलने का, और मुझे लगता है कि वाह जिंदगी जैसे जो प्रोग्राम है लोगों को काफ़ी मोटिवेट भी करेंगे और आई थिंक आगे से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। तो इसमें मैं आपके ये एफर्ट की बहुत बहुत सराहना करता हूँ।